देश एक बार फिर भगवा रंग में रंग गया है। जैसे ही चुनाव परिणामों की खबर आना शुरू हुई, भाजपा खेमे में जबरदस्त उत्साह दिखाई देने लगा। हर तरफ भाजपाई जश्न में डूबे दिखाई दिए। ऐतिहासिक नगरी आगरा में भी जगह जगह जश्न मनाया गया। आगरा कैंट स्थित अटल चौक पर भाजपाइयों ने जमकर जश्न मनाया। जीत के जश्न में भाजपाई डूब गए, ऐसे डूबे कि साथ में होली के साथ दिवाली आ गई। भाजपाइयों में जबरदस्त उत्साह था। भाजपाई जमकर थिरक रहे थे, जमकर नाच रहे थे, जमकर जीत का जश्न मना रहे थे। ऐसा जश्न मानो सब कुछ मिल गया, मनोकामना पूरी हो गई, क्योंकि देश भगवा रंग में रंग चुका था। भाजपाई आत्मविश्वास से लवरेज थे। यही वजह थी कि भाजपाई पहले से ही जीत के जश्न की तैयारी में थे। आगरा कैंट अटल चौक के आसपास सजावट कर दी गई। अटल चौक को सजा दिया गया, मिठाई बांटी गई, पटाखे चलाए गए, गुलाल उड़ाया गया, नारेबाजी की गई। भाजपा नेता कहते हैं ये राष्ट्रवाद की जीत है, मोदी की जीत है। वो ध्वस्त हो गया और देश के ईमानदार लोगों का आज जो है खुशी मना रहे, पूरे जश्न मना रहे। दिवाली और होली जैसा त्यौहार आज पूरे देश में बनना है। जो भाजपा की सुनामी पूरे देश में आई है और माननीय नरेंद्र मोदी को एक बार फिर देश की गद्दी में बिठाकर देश का परचम लहराया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की पुनः दोबारा सरकार बन रही है, पूर्ण बहुमत के साथ हम लोग आए हैं और यहाँ पे बहुत हर्षोल्लास के साथ में सब लोग मिल करके उल्लास और कार्यक्रम हम लोग यहाँ बना रहे हैं। इस प्रचंड जीत पर हम सभी कार्यकर्ता आगरा कैंट पर मिठाइयाँ वितरण कर रहे हैं और खुशी का त्यौहार के रूप में मना रहे हैं। जिस तरीके से देश में मोदी मैजिक चला, उससे सभी पार्टी की चारों खाने चित्त हो गईं। यही वजह थी कि भाजपाई जबरदस्त उत्साहित थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, ढोल बजा रहे थे, गुलाल उड़ा रहे थे, पटाखे चला रहे थे, मिठाई खिला रहे थे और भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, मोदी जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। जो चोर है वो चिल्लाते रहे, आज उन्हें करारा जवाब उन जनता ने दे दिया, उनको मुंह पर तमाशा दे दिया है। गठबंधन ठगबंधन नहीं है, ठगबंधन ही रहेगा। जो किए गए कार्य थे उन पे अपनी मोहर लगाते, उनको एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने के लिए जनादेश दिया है। एक लहर लेके माननीय प्रधानमंत्री मोदी दोबारा से मोदी सरकार की लहर आ चुकी है, आ गई। जो व्यवस्थाएं फेल थी उनको दुरुस्त किया, उसको देखते हुए भारत देश की समूची जनता ने उन पे एक बार पुनः विश्वास किया। देश में एक बार फिर मोदी का जादू चला, ऐसा जादू चला कि पूरा देश भगवा रंग में रंग गया। जहां पर उम्मीद नहीं थी वहां पर भी कमल खिल गया, भाजपाइयों को जश्न का मौका मिल गया। काम बोलता है, राष्ट्रवाद बोलता है, कहने में और करने में बहुत फर्क है। ये मोदी सरकार की जो नीतियां जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ मिला है उसका परिणाम है और जनता बेहद खुश है। हम सभी सामाजिक संगठनों ने इसका साथ दिया है। हम चाहते हैं कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी सरकार मोदी सरकार ने काम किया है उस तरह दुश्मनों उस तरह जवाब दें। नरेंद्र मोदी पूरे विश्व के नेता होंगे और भारत एक बार फिर विश्व गुरु बनेगा। जय हिंद भारत। मानो भाजपाइयों की होली और दिवाली साथ साथ आ गई हो, क्योंकि देश में मोदी मैजिक चला है, ऐसा मैजिक जिसने सभी पार्टियों को चारों खाने चित कर दिया है। जैसे ही एग्जिट पोल के रुझान परिणाम में बदलने लगे, भाजपाइयों का उत्साह देश भर में बढ़ने लगा। हर भाजपाई जश्न में डूबता हुआ दिखाई देने लगा और कहने लगा फिर से एक बार मोदी की सरकार। आप देख सकते हैं कि जबरदस्त उत्साह भाजपाइयों में दिखाई दे रहा है और भाजपाई नाच रहे हैं, जगह जगह जीत का जश्न मनाया जा रहा है। हर भाजपाई पूरी तरीके से उत्साह में है, जैसा कि एग्जिट पोल के अंदर दिखाया जा रहा था और वो सब कुछ सच होता दिखाई दे रहा है। भाजपा के नेता कार्यकर्ता और समर्थक बेहद उत्साहित है, क्योंकि एक बार फिर से देश में मोदी की सरकार बनने जा रही है। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज आगरा।